बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तमंचीबाज भाई शालीग्राम गर्ग को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। शालीग्राम गर्ग उर्फ सौरभ को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से शालीग्राम की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, लेकिन सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी शालीग्राम को जमानत दे दी। देखिए, आज स्पेशल कोर्ट में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई गर्ग शालीग्राम गर्ग और जीतेन तिवारी को बमीटा थाने ने गिरफ्तार कर पेश किया था। यहाँ न्यायालय में जब पेश किया तो उस पर देखा गया कि धारा 323, 294, 506 बी ताजी रात हिंद IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था तथा कट्टे के तहत 2527 आर्मी एक्ट का भी अपराध पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय में अधिवक्ता आरोपी अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि चूंकि वहाँ की ख्याति हो रही है और उनको गलत तरीके से इस अपराध में फंसाया गया है तथा जो वीडियो के माध्यम से जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है उस वीडियो में एक तो FIR डिले की गई है, दूसरी बात ये भी है कि उस वीडियो से आज इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है जब तक कि उसकी प्रमाणिकता जाँची ना जाए कि वो वीडियो सही है या गलत है। वो एक्सपर्ट द्वारा जाँच की जाएगी। उस उपरांत ही चालान विवेचना के उपरांत ही वहाँ पर जो भी ट्रायल में सत्यता पाई जाएगी उस आधार पर आगे फैसला होगा। किन चीज़ों को आधार मानकर जमानत दे दी गई है? देखिए, आधार तो यही माना गया है कि वीडियो के आधार पर FIR की गई है। दूसरी एक ग्राउंड और रखा गया था कि वहाँ पर ख्याति इनकी हो गई है, इस कारण से उनको फर्जी फंसाया गया है। इसी ग्राउंड को मार करके 25,000 रुपये की जमानत दी गई है। हाल ही में शालीग्राम गर्ग का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें आरोपी हाथ में कट्टा और मुंह में सिगरेट लिए दलित परिवार की शादी समारोह में उत्पात मचाता नजर आ रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित परिवार को समर्थन मिला, जिसके बाद पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई। लोगों के दबाव के कारण शालीग्राम गर्ग पर पुलिस ने 9 दिन पहले FIR दर्ज की थी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के अलावा SC ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि पुलिस ने प्रावधान के अनुरूप आरोपी शालीग्राम को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया था। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे थे। इतना ही नहीं, वीडियो वायरल होने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सफाई देते हुए कहा कि वो गलत के साथ नहीं है। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। अभी अभी सोशल मीडिया के द्वारा शालीग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं है। कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं है और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं। इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। हम सत्य के साथ हैं। इधर माना जा रहा है कि आरोपी अग्रिम जमानत के लिए भी प्रयासरत था, लेकिन STSC एक्ट में अग्रिम जमानत सिर्फ हाई कोर्ट से ही मिल सकती है। ऐसे में जिला अदालत के सामने पेश होना आरोपी की मजबूरी बन गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के बाद शालीग्राम गर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार दिखाकर कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी।